जय श्रीमन नारायण। ए पर जे टिप्पणी हम करे जा रहल बा रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी जी के द्वारा दिहल गयल बा। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग श्लोक 26। वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मान्तु वेद न कश्चन। ओम। गीता 4 श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन समेत हमनी सब के ज्ञान विज्ञान योग सिखा रहल बानी। परमात्मा कहत बाड़न कि अर्जुन अब हम सब लोग में मौजूद सब जीव के जानत बानी। एकरा अलावा हम ओ सब जीव के जानत बानी जौन पहले ही सब लोग में मौजूद रहे। एकरा अलावा हम ओ सब जीव के जानत बानी जे आवे वाला समय में 3 लोक में जिए वाला बाड़े। अर्जुन ई तीनों लोक में भूत भविष्य वर्तमान विद्यमान जीव जैसन कौनो चीज नहीं के जौना के हमरा मालूम नहीं के, लेकिन ऐ में से कौनो जीव भी हमरा बारे में इतना पूरा ज्ञान ना पा सकी। ऐ में से कौनो जीव के हमरा वर्चस्व के इतना पूरा ज्ञान नहीं के आ उ हमरा के शरण लेत बा। इनमें से एगो प्राणी ना कहे कि हे कृष्ण हम त्योहार खातिर पूरा तरह से समर्पित वानी। ई तरह से श्री कृष्ण परमात्मा हमनी के कल्याण खातिर अपना पीड़ा आ लालसा के ई कहत बाड़न की भले वो अकेले कौनो जीव के ई जन्म मरण के चक्कर से मुक्त कर सकेले, लेकिन कौनो जीव उनके प्रति इतना आत्मसमर्पण न दिखा रहे बानी। श्री कृष्ण परमात्मा के हमनी के कल्याण के इच्छा के पहचान के आ ई तथ्य के स्वीकार करत कि श्री कृष्ण परमात्मा ही हमनी के जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर सकेले, जे शाश्वत बाड़े और ई शाश्वत आनंद ब्रह्मानंद दे सकत बाड़े। हमनी के श्री कृष्ण परमात्मा के शरण लेवे के चाही और श्री कृष्ण परमात्मा के वचन के ठीक ऐसन जैसन बा दोहरावे के चाही। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मान्तु वेद न कश्चन। श्रीमद् भगवत गीता का पूरा सार श्री कृष्ण परमात्मा ने अध्याय 18 के श्लोक 65-70 में 8 काम करे खातिर देले बाड़े। श्री कृष्ण कहले हम ओ लोगन से प्रेम करनी जो लोग इन 8 बातन के मान तारे। हम ओ भक्तन के हर तरह से रक्षा करब। श्री कृष्ण परमात्मा के द्वारा बोलल गईल संपूर्ण भगवत गीता सुनला के बाद अर्जुन कहले करिष्ये वचनम त्वा, जेके मतलब बा कृष्ण मैं उही करब जौन आप कही। यही कारण बा श्री कृष्ण अर्जुन के हर तरह के सफलता आ विजय प्रदान करेले। आई परमात्मा के आपन व्रत देई कि हमनी के ये 8 गौ कर्म के पालन करी जा। ई वचन परमात्मा के देवे से बड़न कौनो पूजा तपस्या यज्ञ नहीं। हम 8 प्रण कहब जौन हमनी के करे के चाही। आप सब कृपया इन्हन के आपन दिमाग आ दिल में सोची। श्री कृष्ण के आपन वचन देवे के ई तरीका में हमनी सब की कल्पना करे के चाही कि श्री कृष्ण का चेहरा खुशी से चमकत बा और खुशी के एहसास करत बा। जय श्रीमन नारायण। यहाँ हमनी के 8 वादा बा। हमनी के पहला वादा, हे श्रीमन नारायण आपका निर्देश के मुताबिक हम हमेशा तोहार ध्यान करब और तोहार बारे में सोचब। हमनी के दूसरा वादा, हे श्रीमन नारायण आपका सलाह का अनुसार हम हमेशा आपका भक्त रहब। हमनी के तीसरा वादा, हे श्रीमन नारायण हम आपन सब काम तोहरा सेवा के रूप में और तोहरा संतुष्टि खातिर करब। हमनी के चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण जैस की आप माने के कहले रहलू हमरा बहुत विश्वास हुआ कि हम आपके होई और हम हमेशा आपन दोनों हाथ जोड़ के आपके नमस्कार करब और आपकी पूजा करब। हमनी के पांचवा वादा, हे श्रीमन नारायण हमरा के तोरा बात माम एकम शरणम ब्रज 1866 याद कहले, जहां आप हमरा के आपन का अर्पित करे का कहा। श्रीमन नारायण मैं हमेशा तोरे शरण में रहब। हमनी के छठवा वादा, हे श्रीमन नारायण हमरा के तोरा बात माँ सुचहा
1866 या कहले कि आप हमनी के शोक ना करे का आश्वासन दे रहे बड़े, हम अब और शोक ना करब। हमनी के सातवा वादा, हे श्रीमन्नारायण, आपने हमरा खातिर श्रीमद् भगवद गीता के वितरण करके हम सबके कृपा कहले और आशीर्वाद दहले बा। हम वादा करत बानी कि रोजाना कम से कम एक श्लोक पढ़ब या सुनब। हमनी के आठवा वादा, हे श्रीमन्नारायण, आप गीता के पूरा मानवता तक ले गहलू। हम गीता में आपके दिव्य वचन के उन भक्तन तक पहुँचावे के प्रयास करब जे गीता से अपरिचित वा। हे श्रीमन्नारायण, हम उई करब जौन तू करई का कहब, हम ऐसन व्यवहार करब जैसन आप चाहत बानी और हम खाली आपका खातिर काम करब। श्रीमन्नारायण के रोज आपन वचन देहल कि हम उइस करब जैस आप कहत बानी, ई अपने आप में बड़न पूजा बा। श्रीमन्नारायण करशे वचनम त्वा, श्रीमन्नारायण हम तोरे निर्देश के मुताबिक काम करब। सर्वम श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। जय श्रीमन्नारायण। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि मान्तु वेद न कश्चन। ओम। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मान्तु वेद न कश्चन। जय श्रीमन्नारायण। सब भक्त लोगों से विशेष अनुरोध बा, जीवन में हर चीज में हमनी के तत्कालिक और प्रभावशाली परिणाम की अपेक्षा रहला। एकरा खातिर आइए रोजाना एक मिनट के समय निकालल जाए और नारायण आश्रम पढ़ल जाए। नारायण आश्रम प्राप्त करे खातिर नारायण आश्रम वेबसाइट पर जाई जो www.narayanashram.org है और पंजीकरण में अपन नाम और ईमेल दर्ज करी। आपके द्वारा प्रदान कैल गई ईमेल पर आपका एक नारायण आश्रम PDF प्राप्त हुई। PDF में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नामम बा। ये तीनों के मिलके नारायण आश्रम कहल जाला। हर व्यक्ति के ये श्लोक के अलग अलग संयोजन मिलेला। जब हर कोई 24,000 भक्तन के साथ रोजाना आपन नारायण आश्रम पढ़त आ सुनत बा, ता हर दिन संपूर्ण रामायण का एक दौर, श्रीमद् भगवत गीता पुराण के 33 दौर और श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्त्रोत पुराण के 24 दौर प्रतिदिन पूरा होएला। ई एक बहुत ही उल्लेखनीय और विलक्षण परिणाम बा जौन हर एक दिन ऐश्करे से निकलेला। ई कारण बा कि आप और आपके परिवार के सदस्य तुरते जाके आपन नारायण आश्रम प्राप्त करी। जय श्रीमन्नारायण।